हेलो दोस्तों, आज हम रायगढ़ जिले में केलो नदी पर स्थित पंचधारी घूमने जा रहे हैं। चलिए आपको पंचधारी की सैर कराते हैं। अभी लगभग सुबह के 6 बजे हैं और अब हम पंचधारी के लिए निकल रहे हैं। हमारा घर रायगढ़ जिले में क्रिस्टल ग्रीन कॉलोनी में है, जो कि सारंगढ़ बस स्टैंड के पास है। यहाँ से पंचधारी लगभग 4.5 किलोमीटर पड़ता है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम रायगढ़ जिले के गौरव पथ में आ चुके हैं। यहाँ से हमें ओवरब्रिज पे चढ़ के सीधे पैलेस रोड तक जाना है। अब हम पैलेस रोड तक आ गए हैं। यह रोड बहुत सकरा है। इस रोड में आगे चल करके मोती महल स्थित है। देखिए, यह चांदनी चौक आ गए, इसके आगे मोती महल स्थित है। चलिए आज हम आपको मोती महल भी दिखाएंगे। ये है रायगढ़ का फेमस मोती महल। यह मोती महल बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। हालांकि इसका रख रखाव नहीं होने के कारण यह जीर्ण अवस्था में है। इसके आगे हम चलेंगे तो एक तालाब मिलेगा, जो कि राजाओं के ज़माने का ही तालाब है। यहाँ जो शेर की कलाकृति बनी है, वो भी राजाओं के ज़माने की है। यहाँ रोड पर चारों तरफ शानदार ग्रीनरी है। इसके आगे सर्किट हाउस है, जहाँ से हमें आगे जा करके कच्ची रोड पर मुड़ जाना है। यहाँ से पंचधारी कुछ ही दूर पर है। देखिए, आगे की ओर एक खूबसूरत पहाड़ है। इस पहाड़ के पास एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है। यहीं से हमें दाएं की ओर कच्ची सड़क पर मुड़ जाना है। देखिए, सामने जो नीला वाटर टैंक दिख रहा है और जो झरना दिख रहा है, यहीं पे है पंचधारी। यही नदी है केलो नदी। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें एक पुल पार करना पड़ेगा, जो इसी नदी पर स्थित है। इसे केलो पुल कहते हैं। अब हम अपनी गाड़ी को पार्किंग पे लगा चुके हैं। यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा। यहाँ से लगभग 50 से 70 मीटर दूर आगे नदी का मुहाना है। यहाँ नहाना प्रतिबंधित लिखा हुआ है, लेकिन ये नहाने के लिए शानदार जगह है। लोग यहाँ नहाने के लिए ही आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। हम भी यहाँ नहाने के लिए आए हैं। देखिए दोस्तों, हम पंचधारी पे पहुँच गए हैं। यहाँ गाड़ियों का भीड़ लगा हुआ है। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और लगभग 100 से 150 लोग यहाँ नहा रहे हैं। अभी और भी लोग यहाँ आते ही जाएंगे। देखिए, गुपचुप वाले ने पानी पे ही अपना गुपचुप सेंटर खोल रखा है। यहाँ कितने सारे लोग नहा रहे हैं, अपना बाइक भी पानी के ऊपर पार्किंग कर रखे हैं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यह केलो नदी पे इससे एक छोटा सा बांध है, जहाँ पानी झरने के रूप में गिर रहा है। यहाँ आगे ग्रीनरी भी है। यहाँ कुछ लोग तो ब्रश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ लोग ऊपर में भी नहा रहे हैं, लेकिन ऊपर नहाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऊपर पानी बहुत ही गहरा है। जो लोग तैरना जानते हैं या फिर जो बड़े हैं, वही यहाँ नहाएं। बच्चों को यहाँ नहाने ना दें। देखिए, नीचे पानी बहुत ही कम है। यहाँ घुटने भर बस पानी है, इसलिए यहाँ बच्चे भी नहा रहे हैं, बूढ़े नहा रहे हैं, सभी यहाँ मस्ती कर रहे हैं। देखिए, पानी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लोग कितने अच्छे से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। लोगों को देख के हम लोगों को भी नहाने का मन हो रहा है। देखिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी कितने अच्छे से खेल रहे हैं। यह नदी के नीचे का भाग है, यहाँ भी आप नहा सकते हैं। अभी भी लोग आ ही रहे हैं। लोगों को देखकर हम लोगों को भी नहाने का मन हो रहा है। अब हम लोगों से रहा भी नहीं जा रहा है, इसलिए अब हम लोग भी नहाने जा रहे हैं।
जिन्होंने झरने पे कभी नहीं नहाया है उन्हें स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग सकता है, जैसे कि मेरे को लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को भी मज़ा आने लगा। कई लोग जो सुबह से आके नहा रहे हैं, उन लोगों को नहाते नहाते भूख भी लग चुकी ना। देखिए गुपचुप के ठेले पे कैसे भीड़ लग चुकी है, लोग नहा रहे हैं और साथ में खा भी रहे हैं। वीडियो बना रहा हूं। ये बच्चा जो चल के आ रहा है वो हमारा ही बच्चा है अथर्व पटेल, वो कितना एंजॉय कर रहा है। उसे तालाब नदी ये सब में नहाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। यहाँ अथर्व और देवांश के साथ हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। और जो पीछे छोटा सा बच्चा है वो मेरा भांजा है देवांश पटेल, इन दोनों के कारण ही हम लोग आज यहाँ नहाने के लिए आए हैं। आज हम अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ नहाने के लिए आए हुए थे और सब ने एक साथ मिल के बहुत ही एंजॉय किया। आज का दिन बहुत ही यादगार रहा हमारे लिए। अगर आप भी संडे को फंडे बनाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक बार पंचधारी में आइए, नहाइए और मज़े लीजिए। झरने के नीचे जहाँ नदी बह रही है वहाँ भी बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करके खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे बह बह के खेल रहे थे, उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था। दोस्तों पंचधारी पे नहाते नहाते 3 घंटा कैसे पार हो गया हमें पता ही नहीं चला। अब हमें भूख भी लगने लगी है। ओके बाय बाय दोस्तों।